हेलो एवरीवन, इट्स स्वीकृति। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको फ्यूज ज़्यादा पसंद है या फिर स्निकर्स। वैसे मुझे तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और हम लोग ये कब से सोच रहे थे फ्यूज़ का बनाते थे, सारा रिक्वेस्ट आ रहा था बट पता नहीं क्यों डिले होते जा रहा था। तो हमने सोचा चलो आज तो कम्प्लीट कर ही लेते हैं, और इसके अंदर कैरेमल डेफिनेटली स्निकर्स इतना तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये मेल्ट तो काफ़ी अच्छे से हो गया। इसमें बेकिंग सोडा डाला, इसमें शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक बात तो है, फ्यूज़ कितना भी सख्त क्यों ना बन जाए बट ये मेल्ट तो ज़रूर हो जाता है। और मेल्ट होते हैं के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा बटर भी बाहर आ गया, बट हमने सोचा इतना ज़्यादा तो पिघला हुआ नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा बटर भी हटा दिया। और ये देखो कितनी अच्छी बात है कि आप ये इस फ्यूज़ का डालगोना कैंडी बना के खा सकते हो, और इसका बटर भी कम कर सकते हो। लाइक यू नो, पता नहीं क्या ये एडवांटेज है या नहीं, बट एनीवेज। और ये देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इसमें जो नट्स है वो कितना ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और टेस्ट में भी पता है बहुत ज़्यादा अच्छा था। मीन्स पता है क्या, चॉकलेट कुकीज़ जैसा लग रहा था। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक बात बताओ, इस वीडियो में मेरे दो कलर के नेल पेंट्स लगाए थे, बताओ कौन से कलर थे। बाय।